सो गुड मॉर्निंग अगेन, दिस इज़ थर्ड डे हमारे ट्रिप का, ये तीसरा दिन है और कल रात हमने जो स्टे किया था वो बहुत ही स्पेशल जगह पे किया हुआ है। सो मैं आपको बताने वाला हूँ कल नाइट के हमारे स्टे के बारे में। सो बेसिकली हमारा जो स्टे था इस बार का वो टोटली डिफरेंट था। इट इज़ अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू स्टे इन अ ऑर्डिनरी होटल, अगर आपको कुछ अलग सा एक्सपीरियंस करना है देन यू कैन कम दिस प्लेस। इसका जो नाम है एक्चुअली प्लेस का जहाँ पे हमने कल रात स्टे किया हुआ था, दिस इज़ कनौता कैसल। कैसल कनौता के नाम से ये जगह है एक्चुअली जयपुर में। जयपुर से पहुँचने से पहले ही हमें पड़ी थी एक्चुअली, लोकेशन का जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द रूम, कैसा रूम है हमारा। Seen a keychain like this? This is a keychain actually. ऐसा keychain कभी देखा आपने? So now, take me to the outer part of the this castle, जो कि पहले fort था, but बाद में इन्होंने इसको hotel में convert कर दिया. So काफी बड़ा property है ये. मैं आपको पूरा दिखाऊंगा. यहाँ पे क्या क्या ऐसा है जो different है. Why you gonna love this? This all is lobby actually. कैसी रही आपकी रात? बढ़िया नींद आई है? ओके, दिस इज द प्लेस एक्चुअली। यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा गार्डन है ये इधर, एंड देन जो मेन एक्चुअली ब्यूटी है यहाँ की वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ का एक्सपीरियंस मेरे लिए टोटली डिफरेंट था क्योंकि मैं भाई पहली बार ऐसी जगह पे आया हूँ। सो दिस ऑल वॉज प्रोवाइडेड बाई KTM XP Pro टीम। जो भी हमारे स्टे थे सारे स्टे अच्छे रहे हैं एक्चुअली, सारे लग्जरी स्टे प्रोवाइड कराए थे इन KTM की टीम ने। सो यहाँ पे एक लॉबी है, वो लॉबी जो है काफ़ी ज़्यादा एंटिक चीज़ों से भरी पड़ी है। उसमें बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, पहले की चीज़ें हैं, पहले टाइम की जो होती थी। और यहाँ पे आप देखो ये शायद इनसे पहले गोले दागते थे, वो उस टाइप का लग रहा है। ये असली है नकली मुझे नहीं पता, मैंने रात पूछा, सोचा किसी से पूछूं, लेकिन nobody was there, but this seems like original. अगर आप इस साइड देखोगे तो ये जो वार्डरोब बनी हुई हैं इनके अंदर बहुत सारी एंटिक चीज़ें रखी हुई हैं। ये पहले के टाइम की हैं और ये सारी की सारी असली हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है ये बाद में बनाया हुआ है। इधर टाइगर सेट ये वो हैं, जैसे पहले जब लड़ाई वगैरह स्टार्ट होती थी तो उससे पहले वो हॉर्न टाइप से हो जाते थे। सीम्स लाइक हाथी का दांत है, आई डोंट नो। टाइगर सेट ये पंखा है पहले के टाइम का, जो पहले हवा करते थे हाथ से, बड़े बड़े पंखा होते थे उनको हिला के। पोर्ट्रेट्स तो बहुत सारे लगे हुए हैं, अ लॉट ऑफ पोर्ट्रेट्स आर देयर, जो कि यहाँ की हिस्ट्री को मतलब बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाहर का व्यू जो है मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। इट में आप देख रहे हो बाउंड्रीज एक्चुअली, ये दिस वन इज़ द बाउंड्री ऑफ दिस प्लेस। और यहाँ पर रूम्स हैं एक्चुअली, जो बाउंड्री दिख रही है वहाँ पर रूम्स हैं। ये हमारी बाइक्स लाइनअप है जो कि हम लोगों ने शाम आराम से लगाई हुई थी। इधर फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे अच्छा सा। तो इट वॉज एक्चुअली अ पैलेस, बाद में इन्होंने इसको कन्वर्ट करा होटल में। आप गेट्स देख रहे हो कितने पुराने टाइम के लगे हुए हैं, बहुत पुराने टाइम के लग रहे हैं गेट्स भी। मैं आपको एक बार बाहर से एंट्रेंस दिखाता हूँ। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ दिस पैलेस। और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो बहुत लंबी बाउंड्री है, ये पूरी फोर्ट की बाउंड्री है एक्चुअली। हेयर इज़ अ पूल जो कि काफ़ी क्लीन है यार, और फाउंटेन भी लगा हुआ उसके बाहर से। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, वो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट यार, जो कि नॉर्मली नहीं होता है आजकल के मॉडर्न होटल्स में। सो ये रेस्ट एरिया है एंड हेयर इज पूल, काफ़ी बड़ा पूल बनाया हुआ है। रेस्ट करने के लिए क्या चीज़ बनाई हुई है यहाँ पर, कुछ डिफरेंट है, यू कैन सी टोटली डिफरेंट। यस
तालिया बजती रहे, आप तो बजा नहीं रहे। ब्लॉगर ऑफ द ग्रुप अवार्ड गोज टू हमारे। तो आज फोर्थ डे, आज हमारी राइड का लास्ट डे है। वी आर गोइंग बैक आवर होम। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद द KTM टीम। बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पे स्टे करवाया था इन्होंने, एंड दैट द लास्ट दिस स्टे वॉज लिटरली अमेजिंग। क्योंकि ये जो स्टे था, एक्चुअली ये था फोर्ट मेक, सो दिस वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस मैन। सो राइट नाउ वी हैव रीच्ड द फर्स्ट टोल प्लाजा। दिल्ली के लिए निकलते हैं जब यहाँ से, जयपुर से। सो टनल क्रॉस करके मैं आ चुका हूँ टोल प्लाजा पे। टीम मेरी एक्चुअली आगे निकल गई, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं कैमरा एक्चुअली अपने सेट कर रहा था, और उतने में जो मेरे साथ वाली टीम थी वो एक्चुअली आगे निकल चुकी काफ़ी। सो मुझे उनको चेज करना है थोड़ा सा, और उनको थोड़ा सा मेरा वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं फिर उन्हें पकड़ नहीं पाऊँगा, कि वो लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं और मैं हूँ काफ़ी पीछे अभी। एंड दूसरी चीज़, मैंने गूगल मैप लगाया हुआ नहीं है, तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट दी लोकेशन एज वेल। दिल्ली दिस साइड, ओके, तो दिल्ली है इधर, ओके कूल। चलो चलो, टीम वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर मी, मुझे चेज नहीं करना पड़ा, टीम ऑलरेडी मेरा वेट कर रही थी, सारे लोग मेरी वजह से रुके हुए थे यहाँ पे धूप में। सॉरी, खैर देखो सुनाई तो किसी को नहीं पड़ रहा होगा, अभी बाद में वीडियो देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा, मेरी वजह से थोड़ी देर उन्होंने धूप में खड़ा होना पड़ा। खैर कोई नहीं, अभी अपन को चलना है बस सीधे सीधे, और कुछ दूसरा एम है नहीं फिलहाल, तो हम सीधे लंच पॉइंट पर अपना जहाँ पर हमारा होगा वहाँ पर रुकेंगे जाके, क्योंकि अभी हमें सीधे ही जाना है, और कोई घूमना वूमना तो है नहीं, ना ही जयपुर तो सारा घूमा हुआ ऑलरेडी, तो जयपुर में भी कुछ नहीं घूमना, तो सीधे हमने दिल्ली ही जाना है। सो नो टेंशन, सीधे हमें हिट करना है दिल्ली आज। गौरव जी सबसे कूल एंड काम तरीके से बाइक चलाते हैं हमारे ग्रुप में, ही इज़ द ओनली वन जो इतने कूल होकर बाइक चलाते हैं एक्चुअली। एन अमेजिंग थिंग अबाउट दी गौरव, पहली बार राइड कर रहे हैं वो, मतलब ग्रुप के साथ, क्या मतलब उनका पहला ही राइड है एक्चुअली, एडवेंचर पे पहला राइड है उनका। इससे पहले वो अभी कुछ रिसेंटली ही बाइक परचेज किया उन्होंने, एंड देन फर्स्ट सर्विस के बाद अपना बाइक को लेके इधर राइड पे आ गए हैं वो। सो ही इज़ एंजॉइंग द फर्स्ट राइड विद द KTM ग्रुप इटसेल्फ। सो आई होप कि उन्होंने बहुत सारा एंजॉय करा होगा, वैसे तो सब नहीं करा है हमें भी पता है। कुछ भी यार, दिल्ली जयपुर हाईवे के जो रोड्स हैं ना वो बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही शानदार रोड हैं यार। इन एन आवर यू कैन ईजिली कवर अप अप्रॉक्सीमेटली 70-80 किलोमीटर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। हमारे साथ वाले तो निकल गए आगे, हम चार यहाँ पे रुक गए एक्चुअली यार, बहुत तेज़ प्यास लगी थी, और ये चीज़ है ना जो फेवरेट है, मतलब गर्मियों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है भाई, गन्ने का जूस पी के ना ऐसा लगता है ना एकदम से एनर्जी आ गई, एकदम फ्रेश फ्रेश फील करते सारे लोग, तो भाई मेरे को तो बहुत पसंद है। शीयर्स शीयर्स गन्ने का जूस भाई, गर्मियों में बहुत ज़रूरी रहता है ये, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तरीके से एनर्जी ड्रिंक ही है। चलिए निकलते हैं यहाँ से, चेज करते हैं, ठीक है अब चलते हैं सीधे बाइक पे निकलते हैं, क्योंकि हमारे साथ वाले लोग बहुत आगे निकल चुके होंगे अब तक, तो हम लोगों ने एटलीस्ट कम से कम 5-6 मिनट का स्टॉप ले लिया, तो इतने में वो 5-6 किलोमीटर आराम से आगे क्रॉस कर गए होंगे, तो उनको वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए निकलते हैं यहाँ से और सीधे चलते हैं आगे के लिए। सारे बंदे जो थे वो एक्चुअली लंच पॉइंट पर रुक गए थे, बट हम लोग थोड़ा सा आगे निकल आए थे, थोड़ा सा नहीं काफ़ी आगे, अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर हम लोग आगे निकल आए जो लंच पॉइंट था वहाँ से। सो वी हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू आर जर्नी। रौनक सर से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप लोग चलो फिर आगे, 50 किलोमीटर आगे निकल गए हो तो कितना ही वेट करोगे आप लोग, तो हम लोग तो निकल चले हैं यहाँ से, अभी सीधा सीधा गुड़गांव में ही मिलेंगे उनसे। आई डोंट नो मैं कहाँ पे हूँ अभी एग्जैक्टली, आई के साथ मैं नीमराना पहुँचने वाला हूँ, और यहाँ से दिल्ली कुछ रह गया 124 किलोमीटर्स, एंड गुड़गांव आई गेस शायद कुछ होगा 80 किलोमीटर्स मैक्सिमम, या फिर 80-85, मतलब इतने के लमसम होगा, 80-85 के बीच में ही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। बिन ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, मैं अपना कुछ माइक का इस बार ना परफेक्ट जुगाड़ करूँगा, जिससे कि भाई मेरे को आगे इशू ना हो। सो अभी फ्यूलिंग करा ली है अपने ने,
फ्यूल की टेंशन भी ओवर, अब घर तक कोई फ्यूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट तो वैसे भी नहीं थी, लेकिन क्या था कि अगर मैं नहीं डलवाता तो फिर वहाँ तक पहुँचते ऑलमोस्ट निपट लेती पेट्रोल। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं जब राजस्थान में था तो वहाँ पे कहीं पे 107 था, कहीं पे 108 था, और रणथंबोर जब मैं पहुँचा था वहाँ पे 110 रुपये पेट्रोल चल रहा था। सो अभी क्या था, अभी मैंने कल रणथंबोर से निकलते टाइम मैंने फ्यूलिंग कराई थी, तो वहाँ से हम लोग जयपुर आ गए थे। जयपुर के बाद मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली नीमराना पहुँच चुका हूँ। सो मैंने अब फ्यूलिंग कराई क्योंकि वहाँ पर 107 रुपये लीटर था, यहाँ पर 95 रुपीज़ पर लीटर, मतलब 12 रुपये पर लीटर का डिफरेंस। भाई बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मेरे साथ वालों ने डलवा लिया पेट्रोल अपनी गाड़ियों में, लेकिन मैंने कहा भाई 12 रुपये पर लीटर का डिफरेंस है, मेरी गाड़ी में अभी फ्यूल रेंज दिखा रहा है 200 किलोमीटर, दैट मीन्स कि मैं आराम से पहुंच जाऊंगा आधे रास्ते, इवन गुड़गांव पहुंच जाऊंगा। तो इसीलिए फिर मैंने वहां पे नहीं कराया, क्योंकि भाई 12 रुपये पर लीटर जब आपको पता है बच जाएंगे आपके, देन वाई छोटा स्पेंड एक्स्ट्रा फालतू में। उसका कैसा एक्सीडेंट हुआ भाई, पूरी गाड़ी भुरता बन गई है, साइड से टक्कर पड़ा लग रहा है इसमें। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ भाई इस गाड़ी का लग रहा है मेरे को, क्योंकि उसकी हालत देख के लग रहा है, सारा पूरा इंजन सब रिम विम सब टूटा हुआ है इसका। खैर पता नहीं जिसकी गाड़ी है वो बचा होगा नहीं बचा होगा। हाँ जो ढंग के होते हैं ना, जो काफी टाइम से कर रहे हैं उनके हो जाते हैं, इजीली जाते हैं। तो भाई पुलिस वाले अंकल भाई मेरे को रोक लेते, बोल रहे भाई कितना कमा लेते हो। अभी इनको नहीं पता, अभी अपन ने स्टार्ट ही किया है, अभी कमाने के लिए स्टार्ट नहीं करा, बस अभी घूमना पसंद है भाई। तो मोमेंट्स को रिकॉर्ड करना वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बात करूँ हमारे इस ट्रिप की, अब इस ट्रिप पे मेरे मतलब कितने सारे फ्रेंड्स बन गए, जो कि अनलोन थे वो सारे हमारे फ्रेंड्स बन चुके हैं। अब उनसे मिलना जुलना होता रहेगा, आगे जब भी राइड्स होंगी उनसे मिलते रहेंगे। एक दो बंदे हमारे ग्रुप में भी ऐड हो गए हैं, जो हमारा राइडिंग का ग्रुप है एक्चुअली, यही वो अपना साइबर हब वाला एरिया। और ये गुड़गांव का बुर्ज खलीफा, वाह 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 क्या बात। हाँ घुस जाओ भाई लोग बीच में बिल्कुल ही, यार पब्लिक देखती क्यों नहीं, समझ नहीं आता मेरे को भाई। इतनी तेज गाड़ियाँ चल रही होती हैं, आप लोग ऐसे निकल रहे होते क्रॉस करो, देखा करो पहले एटलीस्ट यार, इतने रश में क्रॉस नहीं करते बाबा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अनदर डे। हमारा जो KTM प्रो एक्सपीडियम का जो राइड था वो ओवर हो चुका है, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ, जस्ट लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ राइडिंग एक्सेसरीज। वो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए फिलहाल, क्योंकि ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसको जल्दी ही क्लोज करूंगा। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं जरूर बताना चाहूँगा, गर्मी में अगर आप राइड कर रहे हो हाइड्रेशन बैग जरूर लेके चलना, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास नहीं था, मैंने क्या डिफिकल्टीज फेस करी है उसकी वजह से, सो आई नो दैट। अगर आप गर्मी में राइड करने वाले हो तो डोंट फॉरगेट टू कैरी योर हाइड्रेशन बैग, बहुत इंपॉर्टेंट है वो गर्मी में राइड करने के लिए। एंड मैं बात करूँ तो मैं अभी एक्चुअली बाहर हूँ कहीं पे, और किसी जगह आया हुआ था यहाँ पे पास में, एक ब्यूटीफुल सा प्लेस है, वहाँ पे जाऊँगा। एंड ये वाली राइड आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी आपने एंजॉय करा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग व्लॉग्स, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं अभी कुछ दिनों में। तो तब तक के लिए मैं क्लोज कर रहा हूँ अपना ब्लॉग आज के लिए। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। बाय बाय।